शायद आप सब देखकर तो हैरियत से होंगे। तो ये हमारी Figma के क्लास नंबर 13 है। तो इस क्लास में हम कुछ टैक्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे और बाकी जो ये नीचे तीन आइकन्स वगैरह हैं ये ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं क्रीम की वेबसाइट पर जाता हूँ और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ। आगे यहाँ से मैं उठा लेता हूँ टेक्स्ट, सिंपली आके पेस्ट कर देता हूँ और लाइव से आके देखना है। तो इसको मैं फुल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज में ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ जाके मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज कितना है। उसके लिए आपको ये CSS व्यूवर जो है वो आपने क्रोम के एक्सटेंशन में इंस्टॉल करना होगा, तो उससे हम ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज है जो वो 68 है, तो ये 64 है, मैं इसको 68 कर देता हूँ, ये हो गया 68। और इसके अलावा जो इसका फॉन्ट स्टाइल यूज हुआ हुआ है ये थोड़ा सा बोल्ड है और फॉन्ट साइज में बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, साइज यूज़ करते हैं ताकि एक लोड ना हो तो दूसरा हो जाए, दूसरा ना हो तो तीसरा हो जाए। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जब किसी वजह से इंटरनेट स्लो होता है या कुछ फॉन्ट काम नहीं करते तो वो वहाँ से काम कर चलते हैं। तो ये थोड़ा सा बोल्ड है फॉन्ट वेट जो है, इसके में ये बोल्ड ही हुआ है, ये यहाँ पे है। इतना हो गया, अब हमने निचले वाला फॉन्ट सेट करना है। तो ये है 18, इसका जो साइज है वो 18 पिक्सल है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, दोबारा मैं यहाँ जाता हूँ और ये मैं यहीं से उठा लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से 18 कर देता हूँ और इसको क्या 18 पे, और इसको मैं उठा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 18 मैंने यहाँ लिखा है लेकिन ये बहुत ही जो है वो कम आ रहा है, इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कर देता हूँ। और ये बोल्ड को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये हो गया, ये हो गया, आप ठीक आ रहे हैं। और मैं इनमें थोड़ा सा जो है वो गैप वगैरह लाना है इनके दरमियान, तो ये यहाँ से हम गैप ला सकते हैं, ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। अब जो नीचे ये तीन पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं सॉफ्टवेयर की, जैसे कि ऐप स्टोर है, उसके बाद गूगल प्ले है और तीसरा एंड्रॉइड है, तो उनको मैंने वहाँ से उठा के जो मैंने सेव किए हैं तो यहाँ के मैंने पेस्ट करना है। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ Figma का जो हमारा है इसको ओपन कर लेते हैं, और ये हमारी एक है, इसको मैं कंट्रोल के साथ करता हूँ और ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से मैं इनको यहाँ से उठा के इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ ये हो गई पेस्ट। इसके अलावा ये जो नीचे वाली तस्वीर है ये थोड़ी सी जो है क्रॉप हुई है, तो अभी मैं वहाँ से इसको क्रॉप कर देता हूँ, सेम इसी तरह से क्रॉप यहाँ से क्रॉप हुई है। तो इसको ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये साइड पे आ कर मैं क्रॉप कर लेके इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। नीचे रख लेता हूँ और ये तस्वीर मैंने पेस्ट कर ली है।
तो इनकी जो हाइट है, हाइट 40 पिक्सल और विड्थ 120। सेम मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहला कौन सा है, ऐप वाला, इसको मैं ऐसे करता हूँ। इसकी हाइट थी 40 और विड्थ 120, तो इसकी कर देता हूँ 40 यहाँ पर। हाँ ठीक है, रख लेता हूँ ताकि जैसा इधर है वैसे ही सेम में इसको कर। तो ये यहाँ पे रखना है मैंने, ये देखो ये सेम आ गया। अब मैं इसे लेफ्ट कर लेता हूँ। एक हमने पेस्ट कर लिया, तो बाकी का भी हम कर लेंगे इसी तरह देखे। आई टोल ये एक हो गया। उसके बाद मैंने इसको भी करना है, हाइट इसकी करनी है 40, विड्थ 120। इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी कम करी, तो ये हमारा सेकंड वाला भी इधर हो गया है। सेकंड वाला ये नहीं था, वो दूसरा था। तो मैं यूज कर लेता हूँ 40 के बाद की और 20 से इसकी थी 20। अच्छा, कुछ जो हाइट और विड्थ उनकी नहीं हो रही है, इधर में मैं आके चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसकी 40 और 135 है, और इसकी जो है वो 53 है। हाँ, तो ये तस्वीरों की जो है ना, एक किस्म की इनका फ्रेम ही ऐसा बना हुआ है कि कुछ ज़्यादा लॉन्ग है जो इनकी विड्थ ज़्यादा है, और कुछ की कम है। तो इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये जो सेकंड वाला है इसमें चेक कर लेता हूँ। ये है 40 135। तो कंट्रोल जी करके जैसे स्टार्ट में इसको ले आया था मैं, ये इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 40 हाइट इसकी देता हूँ, और वो एक ठीक है 108 आ गई। इसको मैंने थोड़ी सी जो भी था इसकी ज़्यादा कर, ये एंड्रॉइड वाला है हमारा तीसरा ये है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ 40, ये आगे 40 135। जैसे मैंने एक ऐड किया, दूसरा खुद बहुत आ गया। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे आके सेट कर देता हूँ, ये सेट हो गया। अब मैं तीसरे की चेक करता हूँ, तीसरे की 53 थी, 53 इसकी हाइट है, विड्थ वो खुद ही दे देगा। तो इस पर क्लिक करके मैं 53 कर लेता हूँ, वो देखो खुद ही इसकी विड्थ आ गई। तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा। थोड़ा सा ऊपर ले सकते, बस ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये टेक्स्ट वगैरह ऐड किए हैं, तस्वीर वगैरह ऐड की है, तो ये हमारा एक किस्म का ऊपर वाला फुटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक नया स्क्रीनशॉट लेंगे, और इससे जो है हमने इससे नीचे नीचे जाके पेस्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड